स्वागत है आप लोग का यूपीपीसी मेंटर ग्रुप में। देखिए सॉरी, हमने मालूम नहीं था, पहले वाला जो इससे पहले न्यूट्रिशन है उसमें कुछ आवाज़ डिस्टर्ब हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आते ही हैं और उसको जितना इजी वे में हो सकता है वो उसको बताया है, तो आप न्यूट्रिशन देख लीजिएगा। थोड़ा सा आवाज़ डिस्टॉर्टेड है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ डिस्टर्ब ना आए। अब इसमें 10 मिनट या 15 मिनट के जो कैप्सूल सीरीज है उसमें बायोलॉजी का एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। 10 से 15 मिनट में जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक, अब माउथ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे माउथ में क्या का काम होता है ये देख लो। माउथ में तुम्हारा देखो एक सलाइवा सलाइवा सिक्रेट होता है, सलाइवा सिक्रेट होता है। दूसरी बात, यहाँ पे सलाइबरी सलाइबरी एमाइलेज एमाइलेज सिक्रेट होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें। सलाइबा का नेचर कैसा होता है या पीएच कितना होता है, तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। सलाइबा का नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, फूड जैसे ही हम लेते हैं, च्यूइंग करते हैं, दांतों से तोड़ते हैं और बहुत देर तक रोटी चबाते हैं, तो क्या करता है कि हमारा एमाइलेज जो होता है सलाइबरी एमाइलेज, वो एमाइलेज किसको तोड़ देता है, स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। इसमें माल्टोज में ये डाइसेक्राइड है, माल्टोज दो शुगर से बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें तोड़ देता है ये। और माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, वहीं सुक्रोज में डाइसेक्राइड होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में, और माल्टोज के कारण रोटी जब चबा चबा के खाते हो तो मीठापन जो आता है स्वाद, वो माल्टोज के कारण होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। देखो सलाइवरी एमाइलेज है वहां से। अब माउथ से और सलाइबा का और क्या काम होता है ये भी देख लो। तो सलाइबा का और काम ये होता है कि वो बैक्टीरिया एंटी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है, या एंटी इन्फेक्शन करता है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है सलाइबा। अब सलाइब यहाँ से आ जाता है फूड इसोफेगस से, कहाँ पे जाता है, स्टोमक में जाता है। तो स्टोमक की बात करेंगे, और यहाँ पे देखो ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, ये पोर्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो छोटा वाला है ये स्टोमक के बाद छोटा वाला इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख रहे हैं कि अपेंडिक्स अपेंडिक्स किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का कि स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। देखो ये जो पार्ट है ना, फाइबरनोमा जो आकृति निकली है इसी को बोलते हैं क्या, अपेंडिक्स। और ये किससे जुड़ा होता है, तो ये जो होता है ये सिकम होता है। क्या नाम है, सिकम, इससे जुड़ा होता है क्या ये अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स सिकम का पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक, ये ध्यान हो गया। अब देखो यहाँ पे स्टोमक है, स्टोमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम होता है, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं किसके, इंटेस्टाइन के, क्या, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट होता है, तो वो ड्यूडेनम पार्ट में होता है, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसके बाद जेजनम आता है, देन इलियम आता है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एंजाइम हो सबसे ज्यादा क्रियाशील रहेंगे ड्यूडेनम पार्ट में, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी इसी पार्ट में होता है। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पे ये बताने रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो एक होता है कौन सा, कॉलन, एक होता है कॉलन, दूसरा होता है हमारा, इसमें पढ़ा होगा, रेक्टम लास्ट में होता है, और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिकम, क्या, या सिकम हिंदी में लिख देते हैं सिकम। ठीक है, तो कॉलन, सिकम और रेक्टम, ये किसके पार्ट हैं, ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक, तो ये फिगर देख लिया। अब हम लोग चलेंगे एक बाई एक डिस्कशन करेंगे क्या होता है। माउथ का तो हम लोग डिस्कशन कर लिए कि कहाँ पे होता है। अच्छा, सलाइबरी वाला बात करते हैं, तो 3 सलाइबरी ग्लैंड होता है। जो मम्स वाला देखते हो ना, ये पार्ट कान के पास खुल जाता है, ये मम्स में मम्स वायरस की वजह से होता है। तो ये मम्स वायरस, इसमें ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाने के कारण मम्स हो जाता है। ठीक है ना, तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। 3 ग्लैंड होते हैं। दूसरा होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब, लिंगुअल का मतलब होता है कि जीभ, और सब का मतलब होता है नीचे, तो जीभ के नीचे एक पाया जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। एक ये थोड़ी देख रहे हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी के नीचे यहाँ पे पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर क्यों, जो जॉ है ना नीचे वाला, नीचे वाले जॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर। अगर
मेडकल या बायोलॉजिकल टर्म में है, तो नीचे वाले जॉ को क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर बोलते हैं, और उसके नीचे जो ग्लैंड होता है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो देखो हमने क्या क्या बोला कि एक सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, वो क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब हमने पार्ट भी देख लिया। एक देखो लीवर, लीवर में यहीं पे गाल ब्लैडर होता है, और ये गाल ब्लैडर क्या करता है, ड्यूडेनम में ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, कौन, गाल ब्लैडर। तो ये भी ध्यान रखना, ये इमेज में बैठा लो दिमाग में, एक एक डिस्कशन करेंगे तो वहां पे सब समझ में आएगा। तो हमारे ह्यूमन शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड पूछे तो लिवर मारोगे, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अगर बोले कि इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है सबसे बड़ा, तो थायराइड मारोगे, क्या थायराइड मारोगे। लेकिन अगर पूछे कि सबसे बड़ा ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड या जो भी जूस निर्माण करता है या डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन है, तो पैंक्रियाज मारोगे, क्या मारोगे, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज इसी के नीचे, ये वाले पोर्शन में नीचे इधर होता है पैंक्रियाज, ठीक है, और ये ड्यूडेनम में जाके खुलता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का था जो पर्सन, वो देख लिए। अब माउथ का देख चुके हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे आगे पोर्शन में क्या क्या डाइजेशन होता है। एक बार दिमाग में बैठा लो ये इमेज, उसके बाद सारा सॉल्व हो जाएगा। तो ड्यूडेनम से हम आते हैं इसोफेगस में। इसोफेगस में फूड कैसे ट्रेवल करता है, ऐसे कुछ ट्रेवल होता है, केचुआ देखे हो ना, केचुआ जैसे चलता है कि पहले यही करेगा, बॉडी सिकुड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये पीछे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, वैसे ही ये इस मूवमेंट को इसोफेगस में बोलते हैं पेरिस्टलेसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेसिस, ठीक है, पेरिस्टलेसिस बोलते हैं इसको। और इसकी वजह से फूड क्या होता है, स्टोमक में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, तो हमारा फूड स्टोमक में आ जाता है, ठीक, स्टोमक में आ जाएगा। अब स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में क्या होता है, दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक पेराइटल सेल बोलते हैं, पेराइटल सेल, ठीक, और एक बोलते हैं सिर्फ चिफ सेल या सिर्फ चिफ सेल बोलते हैं, ठीक है। पेराइटल सेल से हमारा एसीएल सीक्रेट होता है, क्या सीक्रेट होता है, एसीएल। चिफ सेल से हमारा क्या सीक्रेट होता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है, ठीक है। और अब क्या करेगा, पेप्सिनोजन पे एसीएल का काम होता है कि पेप्सिनोजन पे अभिक्रिया करके या एसिडिक मीडियम दे के इसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, कैसे, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, कौन, एसीएल का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है। तो पहला काम होता है कि पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के ऊपर काम करता है, और प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो भैया स्टोमक मारोगे, कहां मारोगे, स्टोमक मारोगे, बहुत गंदा डायग्राम बनाए बट मैनेज करो, स्टोमक मारोगे। प्रोटीन का पाचन कहाँ से हो जाता है, स्टोमक में। और स्टार्च का पाचन कहाँ से हो जाता है, तो माउथ में ही, हमने बता दिया है माइलेज, वहां से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट है, यही स्टोमक एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है। अल्कोहल और ड्रग जो मेडिसिन लेते हैं या ड्रग लेते हैं, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ होता है, ये हमारे स्टोमक में होता है। दूसरी बात है कि स्टोमक में जैसे साउथ वाले चावल, चावल और मिला के जो सब्जी एक बार गोला बना बना के खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो उसी टाइप का बनता है गोला। इसमें पेरिस्टलेसिस मूवमेंट में देखो ये गोला बन रहा है, तो गोले टाइप में यहाँ आएंगे, और गोले टाइप में आएंगे तो इनको बोला जाता है काइम, काइम। और काइम में क्या क्या होता है, तो एक तो फूड होगा, फिर इसमें जाके एचसीएल मिल जाएगा, सलाइवा तो रहेगा ही, जो माउथ में था तो वो सलाइवा रहेगा, और कुछ एंजाइम रहेगा, ये कंपोनेंट होते हैं काइम का, ठीक है। तो काइम समझ गए। अब इसके नीचे स्टार्ट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम ड्यूडेनम की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ड्यूडेनम की बात करते हैं, ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में क्या होता है कि ये ड्यूडेनम है, यहाँ पे सबसे पहले पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो पैंक्रियाज ग्लैंड है वो एंजाइम छोड़ता है, कहाँ, ड्यूडेनम में। और इधर से यही ड्यूडेनम पार्ट में लीवर से, लीवर में जो बैठा है कौन, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर बैठा है, वो छोड़ेगा क्या, बाइल जूस, क्या छोड़ेगा, बाइल जूस छोड़ेगा। और ये कहाँ पे आएगा, ड्यूडेनम में, तो दोनों का पता है। और ये जो पैंक्रियाज है ये एक डक्ट के माध्यम से या नली के माध्यम से ये छोड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए पैंक्रियाज ग्लैंड को मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, क्यों, क्यों बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, क्योंकि ये एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब है कि जो एक्सोक्राइन होते हैं वो ज्यादातर एंजाइम रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, और वो डक्ट के माध्यम से स्पेसिफिक प्लेस पे करते हैं। और इंडोक्राइन में क्या होता है कि डक्टलेस होता है, ये डक्ट नहीं बनता है, डक्टलेस होता है, ये सीधे ये हार्मोन छोड़ते हैं और सीधे ये ब्लड में छोड़ते हैं, और जो टारगेट एरिया है जहां पे जाना चाहिए वो ब्लड के माध्यम से जाता है। तो ये समझ गए, तो दोनों नेचर होने के कारण इसको इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन नेचर होने के कारण इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इंडोक्राइन में पढ़ा होगा इंसुलिन, ग्लूकागन, ये सब ये इसी से सीक्रेट होते हैं। और
इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम, महत्वपूर्ण एंजाइम इसी में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो ये हमारा हो गया एंजाइम की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन एंजाइम है और क्या काम करता है उसके बारे में बात कर लें। तो एंजाइम में देखो, ये ड्यूडेनम की बात हो रही है। किसकी? ड्यूडेनम की बात हो रही है। ड्यूडेनम में एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या? एमाइलेज। दूसरा एंजाइम हमारा सीक्रेट होता है ट्रिप्सिन, और तीसरा हमारा एंजाइम सीक्रेट होता है कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ठीक। और चौथा हमारा एंजाइम इसमें सीक्रेट होता है लाइपेज, ठीक। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एंजाइम की। तो ये एंजाइम जो सीक्रेट हो रहा है, ये ड्यूडेनम है जो ब्रैकेट बना रहे हैं, ये समझो कि ड्यूडेनम है, और एंजाइम सीक्रेट हो रहा है पैनक्रियाज के थ्रू, ठीक है। अब इधर से बाइल जूस आ जाता है, गाल ब्लैडर से बाइल जूस आ गया। ये मीडियम कैसा होता है? जितना भी ये पैनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं एंजाइम, वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। क्या? पीएच जिसका 7 से ज्यादा होता है, अल्कलाइन नेचर होते हैं। तो इस पूरे एरिया का नेचर कैसा कर देते हैं? अल्कलाइन कर देते हैं। और गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस। और बाइल जूस के लिए बहुत जरूरी है कि ये बाइल जूस काम तभी करेगा जबकि वो उसका मीडियम कैसा हो, अल्कलाइन हो या क्षारीय हो, ठीक है, तभी वो काम करेगा। तो बाइल जूस का काम क्या है? तो एक सिंपल सा सोचो कि जो धान होता है, धान से चिवड़ा कूटते हैं, चिवड़ा होता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, वैसे ही बाइल क्या करता है कि ये लिपिड है, लिपिड को लिपिड के ऊपर इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है, और इसका एरिया क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और ये एरिया बढ़ा देने के बाद इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम गिरता है। क्या? लाइपेज, जो सीक्रेट होता है। और ये लाइपेज एंजाइम इस फैट को किसमें तोड़ देता है? फैटी एसिड में, और तोड़ देता है इसको ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है, ठीक। तो ये लाइपेज का, तो बाइल जूस ये हेल्प करता है लिपिड के पाचन में, ठीक है, ये हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पाइसीकरण हिंदी में बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो पूछा जाता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसके द्वारा होता है? तो बाइल जूस के द्वारा होता है। तो ये ध्यान रखना, बाइल जूस के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ये ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन के। तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन पे काम करते हैं और पेप्टाइड में चेंज करते हैं। पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या है? ये पेप्टाइड अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड किस बॉन्ड से बनने होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसीलिए पेप्टाइड बोल दिया। तो पेप्टाइड बोल दें चाहे अमीनो एसिड बोल दें, बात एक ही है। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टोमक में, लेकिन सब फाइनली टच कौन देता है? तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन द्वारा दिया जाता है। प्रोटीन का पाचन हो जाता है और पेप्टाइड में तोड़ देता है। एक बचा एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है? एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करना? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ठीक है, या मोनोसैकेराइड में चेंज करना। तो ग्लूकोज में चेंज करना कौन करता है? ये एमाइलेज एंजाइम करता है। और ये सब सीक्रेट किससे होता है? पैनक्रियाज से होता है। तो इतना समझ में आया। अब ये ड्यूडेनम की बात, ड्यूडेनम की ही बात करें तो ड्यूडेनम में से लेके ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इलियम ये तीन पार्ट तक क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अंदर वाला पार्ट को काटें तो ऐसे कुछ फिंगर नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं, फिंगर नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई बोलते हैं। और ये काम क्या करता है? ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया क्या कर देता है? बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब पहले ये एरिया था, अब ये बिलाई हो जाएगा तो सरफेस एरिया ये हो गया। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अवशोषण की शक्ति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बिलाई का काम क्या है कि फूड को, जो डाइजेशन में फूड ब्रेक डाउन हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल में, वो क्या होंगे? डाइजेशन के रूप में ये बिलाई में क्या करेगा? अवशोषण करेगा, और अवशोषण करके ब्लड में फेंक देगा। कहाँ पे? ब्लड में फेंक देगा। और ब्लड के माध्यम से जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उसका यूज कर लेंगे, ठीक। तो ये ब्लड में आ गया। तो यहाँ पे डाइजेशन का 80% पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन तो पूरा कंप्लीट हो जाता है ड्यूडेनम में, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता रहता है, और सबसे ज्यादा ड्यूडेनम में होता है, ये बस ध्यान रखो। अब ये इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है कि जो चीज अवशोषित नहीं हुआ है उस मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो ये अगर कहें कि ये डिटॉक्स की तरह काम करता है, जो मल है उसको निकालता है बॉडी से, तो ये डिटॉक्स ऑर्गन की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? डिटॉक्स और कौन ऑर्गन बोला जाता है? लिवर बोला जाता है, ठीक है। और कौन बोला जाता है? लंग्स बोला जाता है, फेफड़ा बोला जाता है। ये डिटॉक्स करता है, ये खून को डिटॉक्स करता है। कौन? लंग्स, लीवर, पूरा बॉडी में जो ब्लड होता है उसको छान के यूरिया निकालता है, यूरिया निकाल के किडनी में भेजता है, तो ये लीवर का काम होता है, ये भी डिटॉक्स करता है। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन भी वेस्ट मटेरियल या मल को निकाल के रेक्टम के द्वारा ये फाइनली बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम था, और इसको समझ भी गए। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।